नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। क्या राकेश टिकैत गिरफ्तार हो जाएंगे? क्या राकेश टिकैत को यूपी पुलिस गिरफ्तार कर लेगी? अब आप सोच रहे होंगे कि भाई मैं ऐसा सवाल कर क्यों रहा। ऐसा सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि लखीमपुर खीरी में जो है 72 घंटों के लिए किसानों का आंदोलन चला। उसके बाद से यूपी के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा साहब ने उन पर जबरदस्त तरीके से हमला बोला, यानी कि राकेश टिकैत साहब पर उन्होंने ये कहते नजर आए कि राकेश टिकैत साहब दो कौड़ी के नेता हैं, छुटपई का नेता है, इस तरह के भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया। राकेश टिकैत इस बयान के बाद उन्होंने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि देखिए, हम ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगना चाहते। लेकिन लखीमपुर में घुसकर उन्होंने क्या कहा, ये हम आपको जो सुनाना चाहते हैं। उसके बाद से ही ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि इतनी धमकी क्यों दे रहे हैं टिकैत साहब, उनके तेवर में बदलाव क्यों आ रहे हैं, क्या किसानों पर एफआईआर क्यों हुआ है। आइए बताते हैं टिकैत के तेवर में आए बदलाव। हेडलाइन पढ़िए और समझिए आप क्या बोल रहे हैं। लखीमपुर खीरी कांड में जमानत नहीं कराएंगे किसान, गिरफ्तारी देकर जाएंगे जेल। यानी वो कह रहे हैं जमानत भी हम नहीं कराएंगे जिसकी गिरफ्तारी होगी, पहले गिरफ्तार होंगे और फिर उसके बाद हम जेल भी जाएंगे। यानी कि धमकी पे धमकी दे रहे हैं, चुनौती पे चुनौती दे रहे हैं, लेकिन हो क्यों कुछ नहीं रहा है राकेश टिकैत साहब? मेरा सवाल आपसे है, क्यों कुछ नहीं हो रहा है, क्यों शांत बैठे हुए हैं? जेल जाने की धमकी दे रहे हैं, गिरफ्तारी होने की धमकी दे रहे हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली तैयार है तो आ जाइए ना फिर से एक बार बॉर्डरों पे, आ जाइए सड़कों पे, दम है तो दिखा दीजिए। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे, मैं जानता हूँ क्यों मालूम है, क्योंकि आप भी अब आजकल राजनीति करने पे उतर गए हैं। और यही वजह है कि राकेश टिकैत सिर्फ और सिर्फ चाहे योगी सरकार हो या फिर मोदी सरकार, दोनों को धमकी और चुनौती देते नजर आ रहे हैं। बहरहाल देखना होगा कि राकेश टिकैत ने जो बातें कही हैं कि गिरफ्तार होंगे, जेल जाएंगे, लेकिन जमानत नहीं लेंगे, देखते हैं इस पर योगी सरकार का क्या रिएक्शन आता है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहें स्पेन आई न्यूज़। नमस्कार।